हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए फंकी हेयर स्टाइल लेके आए हैं। इस तरीके का हेयर स्टाइल बहुत चला है और बहुत अच्छा भी लगता है। आप साड़ी पे, लहंगे पे, किसी पर भी इस तरीके का हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले सेंटर पार्टिंग करेंगे। अब इस तरीके से हम टीका फिट कर देंगे। ध्यान रहे टीका का, अगर लर छोटा है तो उसको हम यू पिन से करके फिर बॉबी पिन से सिक्योर कर देंगे, जिससे बड़ा हो जाएगा। नहीं तो आप धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बनाना बन फिट करेंगे। सेम जैसे हम पिछली वीडियो में बनाना फिट करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी बनाना बन फिट करेंगे। इसको यू पिन से बहुत अच्छे से सिक्योर कर देंगे, जिससे कि हमारा इधर उधर नहीं हिले। अब थोड़े थोड़े सेक्शन में इसको ले जाएंगे और बनाना बन को अच्छे से कवर कर देंगे। हमारा बनाना बन बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, ताकि हमारा ये पूरे हेयर रियल लगे। इसको हम बैक कॉमिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं आता है, तो वो बाद में पिचक जाते हैं जो बैक कॉमिंग से होते हैं। तो इसलिए हम लोग बनाना बन ज़्यादा यूज करते हैं। तो आपको अगर बैक कॉमिंग पसंद है थोड़ा कम हाई, तो आप बैक कॉमिंग कर सकते हैं। अब हम सेंटर पार्टिंग करेंगे। सेंटर पार्टिंग देख लीजिए, हम मिड ऑफ आईब्रो से ही करेंगे, ज़्यादा हम नीचे नहीं जाएंगे। अब इस पे देखिए, इस तरीके से पूरे हेयर को इस तरीके से लेंगे। हाँ, आप साइन स्प्रे ज़रूर दीजिए। कोई भी हेयर स्टाइल करिए, साइन स्प्रे देने से हेयर स्टाइल के लुक बहुत अच्छे आते हैं। अब देखिए, हम इसको कर रहे हैं आगे से फ्रेंच। आप आगे से कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने ये फ्रेंच किया है। देखिए, इस तरीके से पतले पतले सेक्शन ले जाएंगे और फ्रेंच इस तरीके से करेंगे। एक एक करके हम पूरे हेयर को इसी तरीके से ले जाएंगे। देखिए, अब हमारा पूरा हो गया आगे का फ्रेंच क्लियर। अब हम इसी तरीके से पूरे जितने भी हमारा पीछे के हेयर हैं, उसको नॉर्मल चोटी की तरह हम कर देंगे। उसके बाद दोनों साइड से हम इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए, सेम इसी टेक्निक से आपको भी निकालना है। अब हम आएंगे दूसरी तरफ और देखिए, इस तरीके से हम हल्का सा बाल फ्रेस फ्रेमिंग के लिए निकाल देंगे। फिर हम करेंगे साइन स्प्रे, फिर इसको अच्छे से कॉम कर देंगे। अब सेम जैसे हम फ्रेंच करते हैं, उसी टेक्निक से थोड़ी सी चेंज करके पतले पतले सेक्शन लेके इस तरीके से यहाँ पे पीछे बैक साइड ले जाके हम पिन कर देंगे। अब हमारा इस साइड से भी हो गया क्लियर। अब हमारा जो इधर के हेयर बचे थे, इसको अभी हम रोक देंगे। ठीक, अब इसके बाद अब हम पूरे हेयर जो पीछे नीचे की तरफ बचे थे, उसको तीन पार्ट में करेंगे। तीनों पार्ट में फिर देखिए साइन स्प्रे करेंगे, उसको अच्छे से कॉम करेंगे, फिर उस पर करेंगे होल्डिंग स्प्रे। साइन स्प्रे करने से साइन आती है। होल्डिंग स्प्रे से जिस तरीके से आप हेयर स्टाइल कर रहे हो, सेम उसी पे टिक जाते हैं। देखिए, अब हमें आपको दोनों तरफ इस तरीके से निकालना है। देखिए, नॉर्मल चोटी जैसे हम लोग रेगुलर घर पे करते हैं, उसी तरीके से करेंगे। फिर उसको हम जिस तरफ चोटी करते हैं, उसी को थोड़े थोड़े पकड़ के पुल अप कर देंगे, जिससे हमारी चोटी बिल्कुल चौड़ी और घनी और अच्छी दिखेगी और स्टाइलिश दिखेगी। सेम अब हमारा उधर का क्लियर हो गया, उधर हम लगा देंगे रबर बैंड। अब सेम दूसरा पार्ट जो है, उधर भी वही टेक्निक करेंगे। देखिए, हमने फिर से साइन स्प्रे, होल्डिंग स्प्रे, फिर सिंपल चोटी कर रहे हैं। फिर इसमें भी वही टेक्निक है जैसा आपने पिछला किया। देखिए, इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। आप इसको घर पे बनाइए, पार्टी में बनाइए, शादी वगैरह कहीं भी जाना, आप इसको बहुत ही आसानी से सेल्फ भी कर सकते हैं। अगर आपकी पतली चोटी है तो आप आगे करके इस तरीके से करिए, ताकि बहुत अच्छी और घनी चौड़ी चोटी दिखेगी आपकी। अब सेम फिर वही जो अगला पार्ट बचा, उस पर भी वही टेक्निक है, साइन स्प्रे, होल्डिंग स्प्रे, फिर उसके बाद इस तरीके से सिंपल चोटी, फिर दोनों तरफ पुल अप करेंगे। उसके बाद अब ये देखिए, अब हमारा जो ऊपर का था फ्रेंच किया हुआ, उसको भी जैसे हमने नीचे किया, सेम उसी टेक्निक से ऊपर का भी
कर देंगे। जो हमने एक एक खींचा था अब उसको जैसे नीचे खींचा उसी तरीके से ऐसे कर देंगे। अब देखिए इसको हम पिन से सिक्योर कर देंगे जहाँ हमें अटैच करना है। आप ज़्यादा ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। हमें हेयर एक्सेसरीज लगाना था तो हमने इस तरीके से किया। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से मोर वाली एक्सेसरीज थी तो हमने इसको इस तरीके से किया। आपके पास कुछ और है तो कुछ और डेकोरेट कर सकते हो। देखिए इस तरीके से और पूरे नीचे के जो हेयर थे उसको छोटी कर दिया और अब उसमें अब हम लगाएंगे छोटे छोटे बीड्स जिससे और ही खूबसूरत लगे। तो इस तरीके से हम लगाएंगे छोटे छोटे बीड्स। अब ये देखिए हमने छोटे छोटे बीड्स इधर लगा रहे हैं और इधर मैं आपको फाइनल करके दिखा रही हूँ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इसमें जो बीड्स के यूज किए हैं आप गोल्डन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका हेयर एक्सेसरी जैसे मैंने मोर वाला किया तो सिल्वर कलर है, तो अगर आपका गोल्डन है तो आप बीड्स गोल्डन कलर लगाइए, या तो ड्रेस से मैचिंग कोई कलर है ग्रीन कलर रेड कलर उस कलर के बीड्स भी आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने वाइट किया तो आपने भी वाइट किया, आप कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने छोटे छोटे, आपको क्या करना है नीचे करके पिन को अच्छे से मोड़ देना है ताकि क्लाइंट इधर उधर कुछ भी करे उनका बीड्स ना गिरे और अंदर की तरफ चुभे नहीं। ठीक है तो अब हमारे जो आगे के हेयर हैं उसको कर लेंगे कर्ल। इस तरीके से कर्ल कर लेंगे। फेस फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर फेस फ्रेमिंग अच्छे से आगे से दिखने लगता है तो पीछे से भी अच्छी लगती है। पीछे से आप कितना भी अच्छा काम कर दो आगे से अच्छा नहीं करो तो अच्छा नहीं लगता। क्लाइंट को पहले आगे सुंदर दिखना चाहिए, पीछे को तो वो नहीं देख रहे हैं ना। हाँ चार लोग बोलेंगे तब समझ में आता है, तो इसलिए हमें पीछे के हेयर तो खूबसूरत बनाने ही हैं क्योंकि दूसरे लोग देखेंगे, प्लस फ्रंट के हेयर को खुद क्लाइंट देखेंगे तो उनको लिए भी बहुत अच्छा है। उनके अच्छे से हेयर इस तरीके से बनाए जिससे कि उनको अच्छा लगे। देखिए अभी हमारा हेयर हो गया डन। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है, आगे से भी अच्छा लग रहा है और पीछे से भी अच्छा लग रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हेयर आपको कैसा लगा। और शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।